दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ ब्रेड चाट की रेसिपी शेयर करेंगे। ब्रेड चाट हम सब की फेवरेट होती है। जब भी हम कभी मार्केट जाते हैं तो गोलगप्पे और चाट खाना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते। एक बार को शॉपिंग करना छोड़ देंगे लेकिन चाट खाए बिना तो हम बिल्कुल भी घर नहीं आते। तो आज हम यही रेसिपी घर पर बनाने जा रहे हैं। घर पर इसका स्वाद बाहर की चाट से 10 गुना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बहुत ही फ्रेश होती है और घर पर खाने का इसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8 से 10 ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था और उसे फ्राई कर लिया है। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे। मैं आपको इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी है। इसी तरीके से अब हम इसमें कुछ पीसेस डाल लेंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है। इसमें ज़्यादा गाढ़ा दही नहीं डालना है, उसमें थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि वो थोड़ी पतली हो जाए। साथ में यहाँ पे मैंने इमली की चटनी डाली है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये डेट्स और इमली की चटनी है। चाट मसाला डाल लेंगे। साथ में मिर्ची पाउडर डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। जीरा पाउडर डाल लेंगे, ओरिगैनो डाल लेंगे। ओरिगैनो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास घर में हो तो इसे ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा दही और डाल लेंगे। ग्रीन चटनी डाल लेंगे, ये मैंने घर पे बनाई है, धनिया की चटनी है। इसमें धनिया और प्याज और हरी मिर्च डाल के इसे बनाया है। फ्राइड नट्स डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने पीनट और कैश्यू नट का यूज़ किया है। आपको जो नट्स पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं। सेब डाल लेंगे। यहाँ मैंने बड़े वाले सेब का यूज़ किया है। ये देखिए मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। सेब के बिना चाट बिल्कुल अधूरी लगती है। पतले सेब का भी यूज़ किया है मैंने, इसे भी डाल देंगे। चना दाल डाल देंगे, थोड़ी सी सेव फिर से डाल देंगे छोटी वाली। अब हम थोड़ी सी प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। अनार डाल देंगे। अनार से जो उसका पिंकिश कलर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी दही और डाल देंगे। इमली की चटनी डाल देंगे। मीठा आपको अगर ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हरी ग्रीन चटनी भी डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज फिर से डाल देंगे। थोड़ा सा अनार, थोड़ी सी चटनी और अब हम इसे काजू से डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए आपकी ब्रेड चाट बिल्कुल तैयार है। चलिए जल्दी से अब हम दूसरा बाउल भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे हमने आपको पहले ब्रेड चाट बनाना सिखाई उसी तरीके से हम ये दूसरी भी चाट बना लेंगे। मुझे तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैं और मेरा बच्चा दोनों मिलकर इसे जल्दी से खाने वाले हैं क्योंकि चाट एक ऐसी चीज़ है जिसे देखते ही मुँह में पानी आ जाता है और जब ये बनकर तैयार हो जाती है तो एक मिनट का भी इंतज़ार नहीं होता। आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और संडे को तो अपने फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा क्योंकि संडे एक ऐसा दिन होता है जब सब बहुत फ्री होते हैं और उस टाइम पे इन चीज़ों का मज़ा कुछ अलग ही होता है। ये देखिए ये दूसरी वाली भी सेव वगैरह डल चुका है हमारा इसमें। ये बिल्कुल तैयार होने वाली है और मैं इसे अभी सबको घर वालों को खिलाने वाली हूँ। ये देखिए दूसरा भी हमारा ब्रेड चाट बनकर तैयार है। है ना बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली हमारी ये ब्रेड चाट। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा। मैं ऐसी ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जो भी नई वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।